फिर से एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका लीड इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस मॉन और हम हैं, ये वार्ड क्रमांक कौन सा है? एक, वार्ड क्रमांक एक में है, मोहनपुर पंचायत में। मोहनपुर पंचायत में अभी चुनावी यात्राएं चल रही है और सरकार का कहना है कि उन्होंने आवास की सुविधाएं लोगों को दी है, शौचालय दिया है, अनाज पानी दिया है, मुफ्त में सेवाएं बहुत सारी दी है। अब हम ये किराना दुकान पर हैं और हम बात करते हैं भाई साहब से कि क्या स्थिति रही है, किस प्रकार से सरकार की सुविधाएं उन्हें मिली है या आप उनकी पंचायत में हुई। बोलना चाहते क्या बताएंगे, कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, सुविधा आपको नहीं, नहीं है। अच्छा, कौन सी सुविधा आप चाहते हैं कि सरकार आपको दे? बोलिए ना। तो राशन कार्ड हम लोग का है, ना तो APL BPL कोई कार्ड है, ना तो आपका इंदिरा आवास का है, ना तो जल नल का योजना है। सरकार ने लागू किया है कि जल नल योजना, अगर जो मुखिया नहीं किए हैं उनको नहीं दिया जाएगा टिकट, फिर भी टिकट मिल रहा है। मतलब ये चीजें हैं, हाँ, ये मिलना चाहिए लेकिन मिला, कोई सुविधा नहीं मिला, ना तो नाली मिला है, ना तो जल नल का सुविधा मिला है। ओके, तो क्या चीज का परियोजना मिला हम लोगों के लिए? तो क्या सर इस बार उन्हीं के साथ वापस दोबारा आगे बढ़ना चाहेंगे? परिवर्तन, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मतलब वार्ड क्रमांक एक के लोगों का भी मानना है कि परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विद्यानंद विश्वकर्मा है। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? दो नंबर वार्ड। वार्ड दो नंबर में रहते हैं, मोहनपुर पंचायत जी। चुनावी यात्राएं चल रही है जी? चुनावी यात्रा पूरा जोर शोर से जोर शोर से चल रही है। क्या क्या आपको क्या लगता है, क्या वो जो प्रधान मुखिया जो भी सदस्य जो जीत के गए थे पिछली बार, दोबारा उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, अभी वो तो बता नहीं सकते, फिलहाल में चुनावी माहौल अभी ऐसा चल रहा है कि करो या मरो का हाल है। अच्छा, मतलब अभी हम लोगों ने सोचा है कि हर बार तो सभी जगह हर बार तो सब जगह मुखिया बना ही है। अगर चाहते हैं कि हम लोग अपना गांव के विकास के लिए, क्योंकि हमारा गांव में पंचायत है हम लोग का, मोहन गांव में विकास होना चाहिए, है ना? किस प्रकार का विकास चाहते हैं? आइए, कौन सा विकास चाहते हैं आप? नाला चाहते हैं, हमारा ये रोड है, हमारा इसमें नाला नहीं चाहिए। रोड यहाँ पे रोड बना? हाँ जी, रोड तो बन गया है। हाँ। अच्छा, लेकिन नाला नहीं है, नाला का यहाँ नाला नहीं है, दिक्कत है। अच्छा। जल नल अभी नहीं है हम लोग का, यानी कि बटा हुआ अभी नहीं है आपका। क्या नाम है आपका? सोहन विश्वकर्मा। सोहन विश्वकर्मा जी, क्या करते हैं आप? हम अपना धंधा करते हैं। कौन सा धंधा करते हैं? लोहारी दुकान। अच्छा, लोहारी की दुकान है आपकी? हाँ। चलिए, कहाँ पर, यहीं पर है या बाहर? यहीं पे है। अच्छा, यहीं पर आपकी दुकान है। हाँ। कैसे चल रहा है आपका कामकाज? बढ़िया चल रहा है मेरा। अच्छा, मौजूदा सरकार में जो भी लोग हैं खुश हैं आप उनसे या परिवर्तन चाहते हैं? ये मोदी सरकार से या कि कोई नहीं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो बहुत आपके प्रधान की बात कर रहे हैं, मुखिया की बात कर रहे हैं, मोहनपुर पंचायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो मोहनपुर पंचायत का हो रहा है। यहाँ तो यहाँ पे तो अभी वोट का नहीं कि शोर जोर चल रहा है और हम लोग नया उनसे खुश हैं या फिर परिवर्तन? पहले वाले मुखिया से नहीं खुश है, लेकिन हम लोग जितना नौजुबक है सब इधर में सहमत है, ताकि हमारा गाँव में देखिये बैंक आया और बाकी बाद हाई स्कूल आया, पंचायत भवन आया, वो सब कुछ नहीं बन पाया। सारा लोग दूसरे गांव में अपना टान के लेके चले गए। इस बार हम लोग गांव का वही गांव में चला गया विकास, हम लोग का बना नहीं है विकास, इधर कुछ नहीं विकास हुआ। अगर हम लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के तरफ से कुछ आवास मिलता है, आवास मिला आपको? वो सब मिला है सर। आपको मिला? आपको मिला? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। शौचालय? शौचालय नहीं मिल पाया सर। नहीं सर, आपका भी नहीं? नहीं, शौचालय नहीं। आयुष्मान कार्ड आपका बन गया? नहीं सर, आयुष्मान कार्ड नहीं बना। आपका? नहीं मेरा। आपका बना भाई साहब? नहीं बना। राशन पानी की क्या व्यवस्था है? राशन पानी का तो मेरा माँ का नाम से है जो कार्ड मिलता है राशन पानी, और हमारा तो नाम से है ही नहीं, क्योंकि हमारा वाइफ का आधार कार्ड खो गया तो बन नहीं रहा है वो। ओके, राशन पानी आपके नहीं मिल रहा है? नहीं। आपके यहाँ पे राशन पानी का? राशन का कार्ड तो आपने खुद से ऑनलाइन किया, लेकिन आज तक तो बन के आया नहीं है अभी। मतलब आपको सरकार की तरफ से जो मुफ्त में राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ के अनाज मिलता है वो नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको मिलता है सर? हाँ, हमको तो मिल रहा है। मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? वो है उसमें चार आदमी, लेकिन दो ही आदमी को दे रहा है। चार आदमी का है प्रावधान, लेकिन दो ही आदमी का? दो ही आदमी को? दो ही आदमी का मिल रहा है, वो भी उसमें से 2 KG कार्ड लिया जा रहा है। क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बार? इसलिए कि जो यानी कि वहाँ से सरकारी जो कानून है वो कानून से यहाँ पे विकास हो, और विकास में बढ़िया यानी कि वो डीलर पे भी थोड़ा यानी कि टाइट कार्रवाई किया जाए। ओके, टाइट कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अभी तक कार्रवाई ढीली ढीली है, दिले, दिले, है ना? कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए, है ना? कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मिल पाता मिल जाना चाहिए। डीलर का घर से हम लोग नहीं मांगते, हक मांगते हैं, हक मांगते हैं, वो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जनता जब भी चुनाव होता है तो जनता
है कि बहुत सारी उम्मीदें बंधी होती है, आस लगाए होती है, सर, लेकिन मेरा कहने की बात है यहाँ से गरीब आदमी उतना दूर जाता है, मतलब पुरनाडी हम लोग का डीलरी जहाँ पे होता है, तो गरीब आदमी पसीना बहाते हुए जाता है, अगर उसका 2 किलो अनाज अगर काट लीजिएगा आप तो बताइए वो गरीब कैसे कैसे करके क्या जो है सो वो करेगा सर। स्कूल स्कूल की पढ़ाई जारी नहीं चल, हाँ बहुत मास्टर तो सोया रहता है टेबल पे, एक बच्चे भी नहीं आता है, बच्चे लोग कुछ बच्चे लोग जानता है हाजिरी बना के सिर्फ चला जाता है यहाँ पे, मास्टर आते हैं हाजिरी बना कर वापस चले जाते हैं, हम लोग गरीब आदमी कितना ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स की थोड़ी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जाएं और वहाँ पे मास्टर को सचेत करें? वो हम लोग किया है सर, मगर मास्टर लोग का कोई केयर अभी तक नहीं गया है, पहले का जो इससे पहले का मास्टर थे वो बढ़िया पढ़ाते थे, बढ़िया लिखाते थे, और अभी का जो मास्टर आया वो एक कुछ नहीं करता है, आता है सिर्फ हाजिरी बना के चला जाता है। अच्छा, पहले का सर जो थे वो बढ़िया थे, बच्चा लोग भी जाता था पढ़ने के लिए, पहले पढ़ाई होती थी अभी नहीं हो रही है ना, रिलेक्शन का मास्टर यहाँ जुट गया, उसका रिलेक्शन है यहाँ पे, जब जुट गया आ गया मास्टर तो हम लोग को बूझता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, सिर्फ वो अपना मनमानी करता है। चलिए इस बार परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, इस बार परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन जी सर, क्या बात है। तो वार्ड क्रमांक 1 के लोगों का भी कहना है परिवर्तन, परिवर्तन की मांग है, और हम देख सकते हैं हमारे बहुत सारे हमारे आगे पीछे चुनावी की जो सरगर्मी है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपने प्रचार तंत्र प्रचार यात्रा में लगे हुए हैं, अपने अपने समर्थक में समर्थकों का सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। क्या नाम भाई आपका? गौतम कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई करते हैं? हाँ। में कॉलेज? कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। कैसा लगा आपको जो यहाँ पे जो प्रधान के कार्य पिछले 5 सालों से हुए, कैसे हुए, अच्छे हैं या नहीं? खराब है, पूरा खराब काम हुए। हाँ। अच्छा, मतलब संतुष्ट नहीं है? हाँ, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? हाँ। कौन कौन से काम नहीं हुए? कोई काम नहीं हुआ है यहाँ, कुछ भी काम? कुछ भी नहीं काम हुआ है। आवास मिला आपको? आवास नहीं मिला हम लोग का, नहीं मिला। अच्छा, आप कॉलेज में पढ़ते हैं अभी? हाँ। कॉलेज की जो शिक्षा का स्तर? हाँ। किस प्रकार का शिक्षा का? उधर तो हम लोग कॉलेज में जाते ना, खाली एडमिशन करवा लिए, एग्जाम दिए हैं, अभी तक रिजल्ट भी ना आया है। अच्छा, रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, ऐसा? हाँ। तो क्या हुआ, इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार आप पता नहीं कौन है, हम लोग तो उतना अभी तो बिजी है चुनाव में, इसीलिए अभी दिमाग ना लगा रहे हैं उस पर। सड़क आएगा, योजना थी आएगा, इंदिरा आवास आएगा, सड़क आती है, आवास योजना आती है, शौचालय आता है, हर बार आता है। ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाता? जनता तक बढ़िया आदमी को जिताएगा तब तो ना जनता तक पहुंच पाएगा। अच्छा। बुढ़वा आदमी को जीता? पिछली बार आपने जिताया ना? पिछली बार हम लोग ने जिताए थे। अच्छा, आपने नहीं जिताया? हम लोग होशियार में नहीं दिए पिछली बार भी, हम लोग होशियारे में से इस बार भी होशियारे में हम लोग। अच्छा, ऐसा? हाँ। आपने उनको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, हम लोग उनको सपोर्ट नहीं किए। चलिए, तो हम लोग होशियार के सपोर्ट करते हैं, जो पढ़ा लिखा है कैंडिडेट उन्हीं को सपोर्ट करते हैं हम लोग, जितना है सब। इस बार मतलब परिवर्तन होगा? हाँ, इस बार हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, सबसे पूछ लीजिए। हाँ, चलिए मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, चलिए चलिए हम बात करते हैं आगे और कुछ लोगों से। वार्ड क्रमांक 1 में है, ग्राम पंचायत मोहनपुर में, देख सकते यहाँ पर सड़कें बनी हुई है, और यहाँ की जनता को क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या दिक्कतें हैं, उन्हें क्या समस्याएं चल रही है, उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, आवास मिला है कि नहीं, शौचालय मिला कि नहीं, सरकार की क्या क्या सुविधाएं हैं, राशन पानी होता है ना, आइए पास में आइए, राशन पानी सरकार की तरफ से मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है, आवास योजना में आवास दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि आपको अपना घर कच्चा ना रहे, पक्का बनाइए, शौचालय की व्यवस्था दी जाती है, सब कुछ होता है। तो सर, क्या नाम है आपका? केदार शर्मा। केदार शर्मा जी हैं। चलिए बताइए सर, हम क्या सुविधा ना खाली को राशन मिलता बराबर कुछ नहीं। पिछले 5 साल से आपके प्रधान मुखिया आपके इस एरिया पर राज करते हैं, है ना, तो क्या काम किया गया उनके द्वारा? कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं काम हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, राशन खाली वही मिल रहा है साल भर से, 2 साल से राशन ही मिल रहा है बस, और कोई से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आवास वगैरह की सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं, हम लोग अपने से घर बनाए, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, मिल भी नहीं किया, भी नहीं मिले, शौचालय भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण क्या है? नहीं मिलने का कारण है मतलब यहाँ आता सब लोग अपने खा जाता है वो लोग। अच्छा। हाँ। तो देते नहीं? देवे नहीं करता कुछ नहीं भी, हम लोग इंदिरा आवास आए बात हम बात करते हैं। आइए आइए। हाँ बताइए, क्या नाम है? मुखिया तो कुछ जानबे नहीं, बड़ा बड़ा आदमी है,
छोटा आदमी है उसको देता है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों को दिया, बड़े बड़े लोग आदमी दिए, गरीब को कोई देखने को नहीं चाहता, गरीब लोगों को नहीं देते, कहता है मुखिया हम जीते हैं तो बड़ा आदमी हो गया। गरीब जनता ही के वोट से ये लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? क्या सपोर्ट नहीं करता है तब मुखिया ने बोलेगा, तब हम लोग बातें लेते हैं। अच्छा, आपके इस वार्ड क्रमांक एक में कौन कौन से काम हुए? कुछ ना, मुखिया सब जो भी कराए क्या करा, रोड वगैरह बना है? नहीं नहीं बना। और अपना क्या नाम है? आवास की सुविधा किसी को मिली? हमको संगीता देवी नाम है, संगीता देवी नाम है। और शौचालय वगैरह मिला है यहाँ पे? नहीं, शौचालय नहीं मिला है, नहीं मिला किसी को शौचालय। राशन पानी मिलता है? हाँ, राशन खाली मिलता है, राशन खाली मिलता है। कितना किलो मिलता है? वही मिलता है 20 किलो। 20 किलो मिलता है। इस बार चुनावी यात्रा चल रही है, बड़े शोरों जोरों शोरों से चल रही है, क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या उन्हीं के साथ फिर वापस आना चाहते हैं? नहीं, पूरा हम बढ़ना चाहते हैं आगे। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चेंज करना चाहते हैं, है ना? मतलब नया प्रधान चुनेंगे आप? हाँ। किसको चुनना चाहेंगे? कौन है ऐसा कर्मठ ईमानदार जिसे आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति हम आना चाहिए, प्रधान बनना चाहिए? पनवान बनेगा, पनवान अब सभी को चुनेगा तब अकेले से हमको लसन नहीं होगा। हाँ, वही है, एक एक व्यक्ति चुनेंगे। हाँ, एक आदमी कहाँ जा रहा है, हाँ ठीक है ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, हाँ ये व्यक्ति इस हमारे पंचायत का उद्धार कर सकता है। कोई ऐसा नाम? सब नाम सभी चुनेगा तो हम भी चुनेंगे। अच्छा, सब चुनेंगे तो हम भी चुनेंगे, कहीं ना कहीं हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, बहुत ही सीक्रेट बातें होती है। अच्छा, और क्या आपके पंचायत में और कौन से काम होने चाहिए? सब होने चाहिए, शौचालय होना चाहिए। होना चाहिए? कोई सा तीन काम बताइए जो आपके यहाँ होने चाहिए एक कैमरे के सामने। हमको घर नहीं हुआ है, घर नहीं मिला, घर मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, और पानी पीने का नहीं है, नल जल की व्यवस्था होनी चाहिए, यही है। चलो बहुत बढ़िया, तीन व्यवस्थाएं हमने जो तीन बातों के बारे में बात किया और उन्होंने बताया कि नल जल, आवास और शौचालय, ये तीनों चीज़ उनको मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है, लोग वंचित हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं, जनता त्रस्त, नेताजी मस्त। बात करते हैं वार्ड क्रमांक एक के और बाकी लोगों से, आगे देख रहे हैं हमारे, बड़ी भीड़ है लोगों की, लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता है इस चुनाव को लेकर, उन्हें क्या मिला है क्या नहीं मिला है उसके विषय में हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से आवास की सुविधाएं दी जा रही है, शौचालय मिल रहा है, क्या आपको मिला? हमरा शौचालय मिल गया थी, क्या बात चले, हमरा शौचालय को कौन थी, शौचालय नहीं मिला? ना ना, एको कौन मिला? क्या नाम है आपका? अमर परमा देवी कला शर्मा, रति भी नहीं मिला, ना मिला। तो आपने प्रधान जी से बात नहीं की? नहीं, प्रधान साहब मैं बात की कर, एको को मिलने कर लेगी, बताबा साहब का जोड़ के कॉलोनी मिल रहा है, हमें किस के बिग मंगा है? नहीं मिला है ना, एक पीस ना कॉलोनी साहब, सब के बाद 10,000 दो, 5,000 दो, 11 कर करके एको को कॉलोनी हमरा पास ले दे। काम करने के लिए वो पैसे भी मांगते हैं? पैसा दे लिया तो दे लिया, 2,000 रुपया भंगला बा के दे लिया, लेकिन एको को नहीं दिलके, फिर भी नहीं मिला ना, एको को नहीं बोलो। हाँ? अच्छा, कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ, आवास मिला? कुछ ना मिला, मिलवेल कर रहे थे। अच्छा, और शौचालय वगैरह भी नहीं मिला? शौचालय को कलियो तीन बेटा है, तीनों बेटा तीन चार को पांच को बच्चा सब के काट कुछ भी नहीं, अलग अलग एक कॉपी से मिलवेल करने। मतलब आपको सुनने ऐसा लगता है बहुत नाराज है आप प्रधान से? तो मानता नाराज नहीं रहे, जब हमारा बेटवन के नहीं दिलके, जब हम फोटो दिलके सब कुछ दिलके, तो हमारा देवे नहीं कर लगे, हमें की दिए? हाँ, नाराज है, मतलब अच्छी खासी नाराज है। तो क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन होगा? अब सरकार है जाना देता है कि नहीं देता है, नया परिवर्तन होना चाहिए, उन्हीं के साथ फिर काम करेंगे। हाँ, तो होता है तो ठीक है। हाँ, हाँ, हमरा कुछ ना दल के डारण का जा कुछ ना दल। अच्छा, हाँ हाँ, कुछ ना देवे न कर लगे की कही, कुछ देवे न हमरा कर ले, एक को पीस ना कुछ दल के ऐसा कुछ ना। अभी देखो सब के काट मिल ले, आ एगो हमरा महिला बेटवा का अखनी हमर पुता गा है बिकला में इंटर में पढ़ा ले, आ अभी ओकरा पीछे कतना पैसा खर्चा कर लिए, से एक पीस ना हमरा की आंगनबाड़ी में करब कराइए, से ना हमरा देव करो है की देव करे। तो आयुष्मान कार्ड बना आपका? हाँ हाँ, आयुष्मान कार्ड रहता विकलांग के है, अभी हाँ विकलांग के कार्ड सब है, उसकी सुविधाएं मिलती है आपको? कुछ ना मिलते है, उसकी सुविधाएं नहीं मिलती आपको? ओके ओके, चलो। अच्छा, हमने बात की यहाँ के लोगों से, हमने आपने सुना, आपने देखा कि किस प्रकार के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं,